फैक्ट फ्रॉम लाइन के बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकलता है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक, तो ऊर्जाओं को निष्कासित करता है और जो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में होता है तो उसकी ऊर्जा कितने के इक्वल होती है, En इक्वल टू माइनस आर एस सी अपॉन एन स्क्वायर। एन क्या कहलाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाते हैं, आर रिडबर्ग कांस्टेंट हो जाता है, एच आपके पास प्लैंक नियतांक हो जाता है और सी प्रकाश का वेग हो जाता है। इतनी यहाँ पर ऊर्जा होती है। मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु के दो ऊर्जा स्तर है, एक N1 है और एक N2 है, ठीक। N1 के संगत ऊर्जा E1 और N2 के संगत ऊर्जा E2 है और इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में या E2 से E1 में आता है तो दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश फोटॉन का उत्सर्जन। और प्रकाश फोटॉन का जो उत्सर्जन होता है वो फोटॉन के फॉर्म में होता है, तो एच में इक्वल टू E2 माइनस E1 या यू इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच के मान के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, E1 माइनस E2 लेके चलते हैं और इनकी फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति निकालते हैं, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला ये आता है, ये आपने शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ा होता है, यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो सी सी कैंसिल, तो जो तरंग दैर्ध्य निकलती है उसका फॉर्मूला ये आ जाता है। अर्थात यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है, आर क्या आ जाता है हमारे पास, रिडबर्ग नियतांक कहलाने लगता है, ठीक है। तो इसके आपके पास जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में गिरता है, एन का नंबर 1 है और इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में गिरे, थर्ड से फर्स्ट में गिरे, फोर्थ से फिफ्थ में गिरे, तो कुछ स्पेक्ट्रम की लाइन को यहाँ पर उत्सर्जित करता है। इन स्पेक्ट्रम की लाइन में हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन वन सीरीज बोलते हैं। अर्थात 1/λ इक्वल टू आर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में गिर रहा है और कहाँ से गिर रहा है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो यहाँ पर इस सीरीज की रेखाएं दिखाई देती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोल देते हैं। और यह स्पेक्ट्रम हमें पूरा का पूरा पराबैंगनी क्षेत्र में दिखाई देता है। इसी प्रकार जब क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ से या सिक्स आदि यानी उच्च हाई लेवल से सेकेंड ऑर्बिट में आके गिरता है, तो जो स्पेक्ट्रम की लाइनें यहाँ पर प्रदर्शित होती हैं उनको बामर ने किया था, इसलिए हम इसको हम क्या बोल देते हैं, बामर श्रेणी बोल देते हैं। और यह स्पेक्ट्रम मेरे पास यहाँ पर दृश्य क्षेत्र में आता है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो हमारे पास क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आता है तो जो वेवलेंथ आती है या तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बामर श्रेणी बोल देते हैं। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फिफ्थ से सिक्स से सेवन से थर्ड ऑर्बिट में गिरने लगता है तो जो तरंग दैर्ध्य यहाँ पर प्रदर्शित होती है इन तरंग दैर्ध्य को हम पाषाण सीरीज बोलते हैं। और यह मेरे पास गिरता है जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट में आके गिरता है, तो इलेक्ट्रॉन यदि फिफ्थ सिक्स सेवन से फोर्थ ऑर्बिट में गिरता है तो हमारे पास पाषाण सीरीज यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास थर्ड ऑर्बिट में आके गिरता है तो जो सीरीज बनती है उसको हम पाषाण सीरीज बोलते हैं। इसी प्रकार ब्रैकेट श्रेणी में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से सिक्स ऑर्बिट से सेवन ऑर्बिट में किस में गिरता है, फोर्थ ऑर्बिट में आके गिरता है, तो मेरे पास अवरक्त लाल क्षेत्र में कुछ स्पेक्ट्रम लाइन दिखाई देने लगती हैं। इन सीरीज को हम
प्रकृत श्रेणी के नाम से जानते हैं। वैसे हमारे पास एक पूर्ण श्रेणी आती है, इसमें ये रहता है कि इलेक्ट्रॉन जब 6, 7, 8, 9 हायर लेवल से जब फिफ्थ ऑर्बिट में आके गिरता है तो जो तरंगदैर आपको दिखाई देती है उस तरंगदैर को हम पुंड सीरीज बोलते हैं, और ये पुंड सीरीज हमारे पास अवरक्त क्षेत्र में दिखाई देती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पुंड सीरीज। और ये मेरे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो अब आप देखिए, इसको हमने यहाँ पर डायग्राम में बताया हुआ है, यदि इलेक्ट्रॉन सेकेंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन, एट, कहीं से भी आपके फर्स्ट ऑर्बिट में गिरता है तो लाइमर सीरीज आती है। अगर हमारे पास थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से आकर सेकेंड में गिरता है तो वार्मर सीरीज आती है। ऐसे हमारे पास अगर क्या हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, किसी का इंफिनिटी बहुत दूर से आके ये थर्ड ऑर्बिट में गिरता है तो ये पाचन सीरीज आती है। इसी प्रकार आप देखो, अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में आके गिरता है कहाँ से, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, कहीं से भी, तो जो श्रेणी दिखाई देती है इसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रैकेट श्रेणी बोल देते हैं। और एक और लास्ट है जिसको हम पुंड सीरीज बोलते हैं, कि अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में 6, 7, 8, 9, 10 कहीं से भी आकर गिरता है तो इसको मैं पुंड सीरीज बोलते हैं, और ये हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइन कहलाती है। ये नाभिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आप जरूर अच्छे से कर लीजिएगा कि क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है।